पाकिस्तान को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से सबसे ज्यादा खतरा, डराएगा विश्व कप का यह रिकॉर्ड। रोहित शर्मा के अलावा एक और ऐसा खिलाड़ी जो एशिया कप में खोल देगा पाकिस्तान के धागे। भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां की पूरी, महामुकाबले के लिए भारत का एक और खिलाड़ी पूरी तरह से है तैयार। एशिया कप 2023 सीजन का आगाज 30 अगस्त को होने वाला है। इस बार ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट पे खेला जाएगा। टूर्नामेंट को लेकर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली। भारतीय टीम को अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। ये मुकाबला श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। बता दें कि एशिया कप में 6 टीमें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान के अलावा नेपाल को भी रखा गया है। पाकिस्तान को एशिया कप में एक ही प्लेयर से सबसे ज्यादा खतरा रहेगा, ये प्लेयर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड सबसे शानदार है। ओवरऑल रोहित ने ही एशिया कप के वनडे फॉर्मेट पर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए। अब तक एशिया कप में रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 वनडे मैच खेले, जिसमें 73.40 के बेहतरीन औसत से 367 रन बनाए। इस दौरान 1 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। रोहित के बाद दूसरा नंबर श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा का है, जिन्होंने 6 मैचों में 306 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे एशिया कप के टॉप 5 स्कोरर में दूसरे भारतीय विराट कोहली, जिन्होंने अब तक 3 मैचों में 206 रन बनाए। यदि ओवरऑल वनडे एशिया कप का रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में सचिन तेंदुलकर के बाद रोहित शर्मा का दूसरा नंबर है। रोहित 22 मैचों में 45.56 की एवरेज से 745 रन बना चुके हैं। वो सचिन तेंदुलकर से 266 रन पीछे। एशिया कप 2023 में रोहित के पास सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका भी है। रोहित के पास टॉप स्कोरर बनने का भी मौका है। 2016 में T20 फॉर्मेट वाले सीजन में रोहित शर्मा ने 5 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 27.60 की एवरेज से 132.69 के स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए थे। 5 मैचों में रोहित के बल्ले से 1 अर्धशतक भी लगा था। 2022 में एक बार फिर एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया। इस सीजन में रोहित 4 मैचों में 33.25 की शानदार एवरेज और 151.13 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 133 रन बनाए थे। 4 मैचों में रोहित का 1 अर्धशतक भी शामिल था। इस सीजन में रोहित ने टीम की कप्तानी भी की थी। हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का भी रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद शानदार रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय कप्तान विराट कोहली अकेले दम पर टीम के नैया पार लगा चुके हैं। पाकिस्तान में विराट कोहली की फैन फॉलोइंग भी बेहद शानदार है। पाकिस्तान के लोग विराट कोहली से बेहद प्यार करते हैं। विराट कोहली मैदान पर प्रतिद्वंद्वी के रूप में खेलते हैं, लेकिन उनके नेचर और व्यवहार का हर कोई कायल है। इस बार एशिया कप में पाकिस्तान को विराट कोहली से भी बच के रहना होगा। पिछले कुछ दिनों में विराट के बल्ले से जमकर तांडव मच रहा है। ऐसे में विराट कोहली से एशिया कप में बेहद उम्मीदें। आयरलैंड दौरे पर गए टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी भी एशिया कप से जुड़ने के लिए जल्द बेंगलुरु पहुंचेंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा का नाम शामिल है। भारतीय टीम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। मैदान पर गदर मचाने के लिए सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं।